इंदौर में बांग्लादेशी महिलाओं को लाकर देह व्यापार करवाने के मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है। इंदौर एमआईजी थाना को एक और आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। एमआईजी पुलिस कई दिनों से महिलाओं से देह व्यापार करवाने वाले आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। इस केस में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को पकड़ चुकी है और अब जिस आरोपी को पकड़ा गया है वह लड़कियों को इंदौर लाने के लिए एजेंट का काम करता था। इस आरोपी का नाम शिव नारायण बताया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ अभिजीत सिंह और दीपक सिंह की रिपोर्ट। कि देह व्यापार के लिए लड़कियों को लाया जाता था, जिसमें हमने 5 आरोपी को गिरफ्तार करके उसको अभी न्यायालय की अभिरक्षा में है, जेल में निरुद्ध है और अभी एक और का पता रसी की है जो भी अभी हमारे अभिरक्षा में है। अभी वैसे इसकी विवेचना और तस्दीक जारी है, लेकिन ऐसा पता चला है कि एजेंट का काम करता था जो क्या बोलते हैं कोलकाता या पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की लड़कियों को एजेंट के माध्यम से, जो एक और फरार आरोपी है बाबू, उससे लड़कियाँ उड़के मंगवाता था। एक लड़की जो हमने पूर्व में दस्तयाब की गई थी वो भी बांग्लादेश की निकली थी, जो उसके घर से ही हमने दस्तयाब की थी, तब ये फरार हो गया था। अभी तक कितनी महिलाएं इस मामले में आ चुकी हैं, कितने आरोपी बन चुके हैं अब तक? जी, अभी तक हमने 5 बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब किया है, 2 पश्चिम बंगाल की, टोटल हो गई 7 और 5 आरोपी को हमने गिरफ्तार करके जेल पहुँचा दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।